perfectives passive voice, clear? कल present perfect का active voice कराया था, आज present perfect tense का passive voice हम कराने जा रहे हैं। पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी है, पता ही आपको कल बताया था, पहचान है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, खाया है, पिया है, सोया है, उठा है, देखा है, खाया है, गया है, तो ये इसकी पहचान है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो डिफरेंस है वो लेक्चर टू में अच्छे से हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। सब्जेक्ट काम करता है, एक्टिव वॉइस है, और सब्जेक्ट के साथ काम होता है तो पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसका रूल लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन, बी डबल ई एन, बिन, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन, बी डबल ई एन, बिन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको बिन कहा जाता है। स्पेलिंग्स इसकी होंगी बी डबल ई एन, लेकिन उसको बीन नहीं कहेंगे, बिन इसको बोला जाएगा, बिन इसको बोला जाएगा, बीन नहीं बोला जाएगा, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बिन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। एग्जांपल लिखें, क्रिकेट खेला गया है, क्रिकेट खेला गया है, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, सचिन की पिटाई की गई है, सचिन हैज बीन बीटन, सचिन हैज बीन बीटन। अब बताएं, संदेश भेजा गया है, मैसेज हैज बीन सेंट, बच्चों को डांटा गया है, चिल्ड्रन हैव बीन स्कॉल्डेड, चिल्ड्रन हैव बीन स्कॉल्डेड, तुम्हें गाली दी गई है, यू हैव बीन अब्यूज्ड, यू हैव बीन अब्यूज्ड, पुस्तक खरीदी जा चुकी है, बुक हैज बीन बॉट, बाय मींस खरीदना, बाय बॉट बॉट, बुक हैज बीन बॉट। और अगर इसका नेगेटिव है तो फिर रूल लिख लीजिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस has या have plus not plus been plus third form of the verb plus object plus not plus been, yes, subject plus has या have plus been plus third form of the verb plus object। अच्छा, has have का आपको पता ही है कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, I, you, we, they या plural के साथ have लगाना है, I, you, we, they या plural के साथ have, और he, she, it, them या singular के साथ has लगाना है, clear? Example लिखें, पानी नहीं पिया गया है, water has not been drunk, yes, water has not been drunk, yes, पानी नहीं पिया गया है, water has not been drunk, water has not been drunk, clear? पत्र नहीं लिखा गया है, लेटर हैज नॉट बीन रिटन, लेटर हैज नॉट बीन रिटन, क्लियर। बच्चों की पिटाई नहीं की गई है, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन बीटन, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन बीटन, हमें नहीं डांटा गया है, We have not been scolded. पतंग नहीं उड़ाई गई है, Kite has not been flown. Clear? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक वो जो क्या से शुरू होते हैं और एक वो जिसमें क्यों, कहां, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है। तो पहले हम उन इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे जो क्या से शुरू होते हैं,
तो सबसे पहले हम रूल में लिखेंगे हैज या हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे हैज या हैव, और फिर हैज या हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद बिन, बी डबल ई एन बिन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? सबसे पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या बच्चों की पिटाई की गई है? Have children been beaten? क्या बच्चों की पिटाई की गई है? Have children been beaten? ठीक है? क्या पानी पिया गया है? Has water been drunk? Has water been drunk? क्लियर? बताएं। क्या संदेश भेजा जा चुका है? Has message been sent? क्या कपड़े धोए गए हैं? Have clothes been washed? क्योंकि clothes एक से ज्यादा है, अगर एक कपड़ा होगा तो हम कहेंगे has cloth been washed, और एक से ज्यादा है तो फिर plural हो गया, have clothes been washed। क्लियर? और अगर इसमें नेगेटिव भी है तो फिर नॉट कहां पर आएगा? सब्जेक्ट के बाद। अगर ये नेगेटिव भी है तो फिर नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, इंटरोगेटिव नेगेटिव, यस। तो नॉट कहां पर आएगा? सब्जेक्ट के बाद। एग्जांपल वो रूल लिख सकते हैं आप, सबसे पहले हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बिन, और उसके बाद बिन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या पानी नहीं पिया गया है? Has water not been drunk? क्या बच्चों की पिटाई नहीं की गई है? Have children not been beaten? क्लियर? अब बात करते हैं उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो क्या से शुरू नहीं होते लेकिन जिनमें क्यों, कहां, कब, कैसे, ये चीज सेंटेंस के बीच में आती है। तो ऐसे सेंटेंसेस का जो रूल है, सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली। तो WH फैमिली का मतलब why, where, when, what, how। तो ये जो चीजें हैं इसको हम लिखेंगे सेंटेंस में सबसे पहले, जिसको हम कहते हैं WH फैमिली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली, और उसके बाद फिर as या have, और as या have लिखने के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद बिन, सब्जेक्ट के बाद बिन, बी डबल ई एन बिन, और बिन लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो सबसे पहले WH फैमिली, WH फैमिली के बाद has या have, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बिन, बिन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? संदेश कहां भेजा गया है? Where has message been sent? पानी क्यों पिया गया है? Why has water been drunk? बच्चों की पिटाई कैसे की गई है? How have children been beaten? क्लियर? और अगर नेगेटिव भी इसमें आ जाएगा तो नेगेटिव कहां पर आएगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अगर नेगेटिव आएगा तो आएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। रूल क्या हो जाएगा? WH फैमिली प्लस has या have प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? संदेश क्यों नहीं भेजा गया है? Why has message not been sent?
Why has message not been sent? पानी क्यों नहीं पिया गया है? Why has water not been drunk? Why has water not been drunk? All right, practice कर लें थोड़ी सी. एक वो भी करा लें. Practice. उसमें पैसे नहीं हैं उसको. नहीं. आज नहीं उसको. नहीं. Practice. आज practice. ठीक है? सचिन संदेश भेजने वाला है. सचिन इज अबाउट टू सेंड मैसेज. बच्चे क्या पूछा था मैंने? सचिन संदेश भेजने वाला है. सचिन इज अबाउट टू सेंड मैसेज. तुम्हें पत्र लिखना पड़ेगा. यू विल हैव टू राइट अ लेटर. मैं सोचा करता था. I used to think. यदि मैं सोचता तुम मेरी पिटाई करते. If I had thought, you would have beaten me. तुम्हें बाइक चलाने की जरूरत है. You need to ride bike. मुझे कार चलाने की जरूरत नहीं है. I need not drive a car. बच्चे गीत राइड दुपहिया जो टू व्हीलर के लिए होता है या घोड़ा होता है कैमल होता है एलिफेंट होता है तो उनकी सवारी करने के लिए राइड होता है RIDE राइड. और फोर व्हीलर है या थ्री व्हीलर है आप उसके लिए ड्राइव कह सकते हैं. क्लियर? क्या सेंटेंस पूछा था मैंने? रहा है वाला. ऑल राइट. वो सॉरी पा रहा है वाला. ओके. बच्चे यह कार्य करते रहते हैं. Children keep on doing this work. सचिन मूवी देखता रहा. सचिन कैप्टन वॉचिंग मूवी. वह पानी पीने लगा. He began to drink water. बच्चों को पुस्तक पढ़नी चाहिए. Children should read book. पुस्तक लाई जानी चाहिए. Book should be brought. हमें पतंग उड़ानी चाहिए थी. We should have flown kite. बच्चों की पिटाई की जानी चाहिए. Children should have been beaten. तुम कह सकते हो. You can say. बच्चों की पिटाई की जा सकती है. Children can be beaten. तुम मुझे गाली दे सकते थे. You could have abused me. सोनिया को गाली दी जा क्या पूछ रहे हैं सेंटर? सोनिया को गाली दी जा सकती थी. Sonia could have been abused. मैं न्यूज़पेपर ना पढ़ सका. I could not read the newspaper. न्यूज़पेपर ना लाया जा सका. न्यूज़पेपर could not be brought. हमसे उम्मीद की जाती है कि हम आर्मी ज्वाइन कर लें. We are supposed to join army. सचिन से उम्मीद की जाती थी कि वह फुटबॉल खेले. सचिन was supposed to play football. मुझे सोचना पड़ता है. I have to think. तुम्हें घर जाना पड़ा. You had to go to home.
हमें कहना पड़ सकता है आई वी वी मे हैव टू से वी मे हैव टू से वी मे हैव टू से तुम्हारे पास पांच मोबाइल फोन्स हैं यू हैव फाइव मोबाइल फोन्स मेरे पास दो मोबाइल फोन्स नहीं है आई डू नॉट हैव टू मोबाइल फोन्स सचिन के पास पांच पुस्तक थी सचिन हैड फाइव बुक्स सोनिया के पास तीन पुस्तक नहीं थी सोनिया डिड नॉट हैव थ्री बुक्स सोनिया डिड नॉट हैव थ्री बुक्स सोनिया खाना बनाती है सोनिया कुक्स फूड सोनिया खाना नहीं बनाती है सोनिया डज नॉट कुक फूड क्या सोनिया खाना बनाती है डज सोनिया कुक फूड सोनिया खाना कहाँ बनाती है वेयर डज सोनिया कुक फूड खाना बनाया जाता है फूड इज कुक खाना नहीं बनाया जाता है फूड इज नॉट कुक्ड क्या खाना बनाया जाता है इज फूड कुक्ड खाना कैसे बनाया जाता है हाउ इज फूड कुक्ड हम पुस्तक पढ़ रहे हैं वी आर रीडिंग बुक हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे वी आर नॉट रीडिंग बुक क्या हम पुस्तक पढ़ रहे हैं आर वी रीडिंग बुक हम पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं व्हाई आर वी रीडिंग अ बुक पुस्तक लाई जा रही है बुक इज बीइंग ब्रॉट पुस्तक नहीं लाई जा रही है बुक इज नॉट बीइंग ब्रॉट क्या पुस्तक लाई जा रही है इज बुक बीइंग ब्रॉट पुस्तक क्यों लाई जा रही है व्हाई इज बुक बीइंग ब्रॉट बच्चे सो गए हैं चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट बच्चे नहीं सोए हैं चिल्ड्रन हैव नॉट स्लेप्ट क्या बच्चे सो गए हैं हैव चिल्ड्रन स्लेप्ट बच्चे कहाँ सोए हैं वेयर हैव चिल्ड्रन स्लेप्ट क्लियर आज के लिए इतना ही कल फिर हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मंडे हाँ मंडे को हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जहाँ तो आएंगे